जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शनि के गोचर के बारे में, क्योंकि ये जो सितंबर का महीना है और सितंबर माह के अंतिम दिनों यानी कि 29 सितंबर को शनि मार्गी होने वाले हैं। और जब भी शनि की चाल में कोई भी परिवर्तन होता है तो वो बहुत ही अहम होता है, क्योंकि सभी जो ग्रह हैं उनमें शनि का राशि परिवर्तन, शनि का गोचर, शनि का मार्गी होना, शनि का वक्री होना बहुत ही अहम रोल रखता है। क्योंकि सबसे बड़ा परिवर्तन या सबसे बड़ा गोचर शनि का माना जाता है, उसके बाद राहु और केतु का माना जाता है, खासतौर से राहु का, उसके बाद गुरु का, बाकी ग्रह बाद में आते हैं। तो अभी शनि ही वक्री अवस्था में चल रहे थे और अब 29 सितंबर से शनि मार्गी होने वाले हैं, यानी शनि डायरेक्ट होने वाले हैं। देखिए, शनि जब वक्री चाल चलते हैं तो जिस घर में वो बैठे होते हैं, जिस भाव में वो बैठे होते हैं, उसके पीछे वाले भाव का रिजल्ट वो देते हैं। और सिंह राशि की हम यहाँ बात कर रहे हैं कि सिंह राशि के लोगों के लिए शनि का जो ये मार्गी होना है, इसका प्रभाव उनके जीवन पर कैसा होगा, क्योंकि शनि के छठे भाव में, सिंह राशि के छठे भाव में शनि थे, लेकिन उनको जो प्रभाव मिल रहे थे वो पांचवें भाव के मिल रहे थे। लेकिन अब जब शनि डायरेक्ट हो जाएंगे, शनि मार्गी हो जाएंगे 29 सितंबर से, तो शनि के जो प्रभाव हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए, वो छठे भाव के मिलेंगे। और छठे भाव में शनि बहुत ही अच्छी स्थिति में होते हैं। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सिंह राशि वाले लोगों के लिए शनि छठे भाव में है। छठा भाव शत्रुओं का भाव होता है, लेकिन छठे भाव में शनि का गोचर बहुत ही शुभ है। अब आप अपने शत्रुओं पर हावी होंगे, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। सबसे पहले देखिए, शनि क्या है। शनि कर्म फलदाता है, शनि कर्म को दिखाते हैं, शनि कर्म योगी हैं, ये भाग्य योगी नहीं है, यानी भाग्य के बल पर आपको कुछ इससे प्राप्त नहीं होता है। जो व्यक्ति जितना कर्म करता है, जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है, उसी के आधार पर शनि उसको रिजल्ट देते हैं। इसके अलावा शनि आपके लिए शुभ हैं। और जो राहु का परिवर्तन हुआ, राहु 23 सितंबर को राशि परिवर्तित कर रहे हैं, वो आपके दशम भाव में आए हैं, तो राहु भी सिंह राशि वाले लोगों के लिए बेहद शुभ रहने वाले हैं। जब राहु और शनि जैसे ग्रह शुभ अवस्था में होते हैं किसी राशि के लिए, तो गुरु और बाकी ग्रहों का प्रभाव खुद ही शुभ हो जाता है। और ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली के ऊपर भी, लेकिन बहुत हद तक ये जो प्रभाव है ये आपके ऊपर शुभ ही रहने वाला है। तो शनि का यह प्रभाव आपको किस किस क्षेत्र में लाभ देगा, कहाँ कहाँ आपको लाभ देगा? दोस्तों, शनि जब आपकी कुंडली में अच्छी भाव में बैठे होते हैं तो आपको राजनेता बनाते हैं, उद्योगपति बनाते हैं, आपको एक हाई पद पर लेकर जाते हैं। क्योंकि जिन भी लोगों को ऐसी ऐसे पद पर जो विराजमान है, उनके लिए शनि बहुत शुभ होते हैं और वो कर्मठ होते हैं, वो कर्म करते हैं, और जो जितना वो कर्म करते हैं उसी के अनुसार उनको फल मिलता है। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि कर्म करने वाले व्यक्ति को ही आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और अभी ये जो समय होगा, ये आपके लिए कई तरह के प्रयास कराने वाला होगा। यानी अगर आप बेरोजगार हैं और आप प्रयास करते हैं, पीछे नहीं हटते हैं, तो निश्चित रूप से जिस भी क्षेत्र में आप नौकरी पाना चाहते हैं, वहाँ नौकरी आपको निश्चित रूप से मिलेगी। इसके अलावा आप अगर अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं, आप कहीं आप बदलाव लाना चाहते हैं, अपनी नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो वो भी आपको होंगे। बस आपको पीछे नहीं हटना है, बस आपको प्रयास करते जाना है, और उन प्रयासों से ही आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि जो शनि है वो आपको सिखाते हैं कि आप कितना आप प्रयास कर सकते हैं। कर्म के प्रति वफादार आप इस दौरान रहते हैं। इस दौरान जो व्यक्ति स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से घिरे थे, स्वास्थ्य में कोई परेशानी चल रही थी, तो उनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दूर होती हुई दिखाई देंगी। या फिर आपने कर्जा लिया हुआ था, आपने लोन लिया हुआ था, तो उसको चुकाने का अब ये नंबर है, इसको चुकाने की बारी अब है। अब ये शनि के डायरेक्ट होने से, शनि के मार्गी होने से, आप अपने ऋण को चुका पाएंगे, आप अपने लोन को उतार पाएंगे। इसके अलावा आप अपने शत्रुओं पर भी हावी होंगे, यानी ऐसे व्यक्ति जो आपको पसंद नहीं करते, तो उन व्यक्तियों पर आप हावी होंगे। वो व्यक्ति आपके मित्र बन सकते हैं या आप से वो दूर जा सकते हैं। तो इस दौरान शनि के जो प्रभाव हैं वो काफ़ी अच्छे आपके लिए रहेंगे। देखिए, शनि की जो दृष्टि होती है वो भी बहुत अहम होती है। शनि की
तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर होगी और यहाँ अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि आने से आपके लिए अचानक से लाभ के योग बनेंगे। आप अचानक से देखिए लाभ के योग कैसे बनते हैं, आपकी लॉटरी निकल सकती है, शेयर बाजार में अचानक से उछाल आ सकता है, सट्टेबाजी से आपका प्रॉफिट हो सकता है। तो ये समय अचानक से लाभ प्राप्त आपको ज़रूर कराएगा। और जो प्रॉपर्टी से जुड़े मामले हैं, पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला है, उस पर आपका कोई केस चल रहा था या उसको लेकर कोई विवाद की स्थिति बनी हुई थी, तो वो जो वाद विवाद की स्थिति थी वो भी इस दौरान खत्म हो जाएगी। पैतृक संपत्ति से भी आपके लिए लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा शनि की जो दृष्टि है वो 12वें भाव पर भी है और 12वां भाव होता है व्यय का भाव, यानी शनि खर्चा भी कराएंगे और शनि आपको यात्रा का भी प्रबल योग बना रहे हैं। इस दौरान शनि की कृपा से लंबी यात्राओं का योग आपके लिए बनेगा और उन यात्राओं में आपका खर्चा इस दौरान हो सकता है। इस दौरान शनि की जो दृष्टि होगी वो आपको कर्मशील बनाएगी, आपको ऊर्जावान बनाएगी, मेहनत करने वाला बनाएगी, अपने कार्य के प्रति ज़्यादा जागरूक आप रहेंगे, अपने कार्य के प्रति ज़्यादा ईमानदार आप रहेंगे। तो कार्य के हिसाब से, कार्य क्षेत्र के हिसाब से ये जो समय होगा ये काफ़ी अनुकूल आपके लिए रहने वाला है। इसके अलावा देखिए शनि की जो 12वें भाव पर दृष्टि है वो आपको कहीं ना कहीं कुछ एडिक्टेड बना सकती है, किसी ना किसी चीज़ के एडिक्शन आप ले सकते हैं। तो इन चीज़ों से आपको थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना होगा। इसके लिए आपको अपने मन पर थोड़ा काबू करना होगा, अपने मन पर नियंत्रण आपको रखना होगा। और धर्म कर्म में भी आपकी रुचि बढ़ेगी क्योंकि यहाँ जो शनि की दृष्टि है वो 3रे और 12वें भाव पर है, तो यहाँ धर्म धार्मिक कार्यों में भी आप हिस्सेदारी लेंगे, धर्म कर्म के कामों में भी आप रुचि लेंगे। और अगर देखिए विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए भी ये जो समय है काफ़ी अनुकूल समय रहेगा। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो उसके लिए ये समय अनुकूल है क्योंकि शनि जो है वो विदेश की यात्रा कराते हैं। इसके साथ ही देखिए राहु जो है वो भी विदेश की यात्रा कराते हैं और राहु भी आपके शुभ हैं, राहु भी आपके 10वें भाव यानी कर्म के भाव में बैठे हैं, शनि के भाव में बैठे हैं। तो विदेश जाने के प्रबल योग हैं, एजुकेशन के लिए, नौकरी पाने के लिए, व्यापार आदि करने के लिए, या आप किसी भी तरह से विदेश से किसी तरह का आप संपर्क है, आप कोई काम करते हैं ऐसा जहाँ विदेश से आपको प्रॉफिट मिलता है, लाभ मिलता है, तो उसके लिए ये जो समय है काफ़ी अनुकूल है। तो आपके लिए यानी सिंह राशि के लिए ये जो समय है ये एक बहुत ही अच्छा समय है, एक गोल्डन पीरियड है, एक गोल्डन टाइम है आपके लिए कि आप अपनी मेहनत के बल पर खुद को आगे लेकर जा सकते हैं, अपने व्यापार में अच्छा कर सकते हैं, जो राजनीति से जुड़े लोग हैं वो राजनीति में अच्छा कर सकते हैं, जो नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए भी आगे बढ़ने के कई अवसर उनको ज़रूर मिलेंगे। तो आपके लिए ये जो समय है काफ़ी अनुकूल है और काफ़ी लंबा ये देखिए समय रहने वाला है, शनि का और राहु का भी 10वें भाव में आपके लिए ये रहेंगे, तो दोनों ही आपके लिए बहुत ही शुभ रहेंगे। तो दोस्तों और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।